सरोकार। 2024 चुनाव के लिए भाजपा ने शुरू की अपनी तैयारियां। चुनाव से पहले यूपी भाजपा संगठन में होंगे बड़े बदलाव। बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा ने 2024 चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक से डेढ़ महीने में भाजपा संगठन में होगा बड़ा बदलाव। 16-17 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। 30% नए चेहरे को संगठन में जगह मिल सकती है। बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से 2024 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। 2024 चुनाव के लिए भाजपा ने शुरू की अपनी तैयारियां। चुनाव से पहले यूपी भाजपा संगठन में होंगे बड़े बदलाव। एक से डेढ़ महीने में भाजपा संगठन में होगा बड़ा बदलाव। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे विभांशु। विभांशु, देखा जाए तो बीजेपी बिल्कुल सक्रिय हो चुकी है 2024 चुनाव को लेकर और बड़े संगठन में बदलाव की तैयारी कर रही है। अंदर में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। सभी दल लगातार लोगों के बीच जाकर अपने पार्टी का जनाधार पैदा करने में लगे हुए हैं। इसी से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 16-17 जनवरी को एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें कोर कमेटी जो भाजपा की होगी उसके तमाम पदाधिकारी बैठक में सम्मिलित होंगे। और इसमें आगामी जो राज्यों के विधानसभा चुनाव है, साथ ही साथ तमाम चुनाव है, 2024 के चुनाव है, इनको लेकर आगे के लिए नई टीम बनाई जाएगी। यानी कि नए समीकरण के तहत भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, चाहे बात की जाए राजस्थान, चाहे बात की जाए मध्य प्रदेश, चाहे बात की जाए तो तमाम बिहार, ऐसे तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो लेकर अभी से भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। वही 24 को लेकर भी कहीं ना कहीं अभी से जो तैयारियां है वो जोर शोर से है। आज की जाए तो 16 और 17 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय मुख्यालय है वहां पर एक बैठक होगी। इस बैठक में माना ही जाएगा और लोगों के जो तमाम कार्यकारिणी के सदस्य है उनके द्वारा जो कोर कमेटी है उसके द्वारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उस पर माना जा रहा है की जेपी नड्डा को फिर से ये जिम्मा मिल सकता है। वही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव है, साथ ही साथ देश का सबसे बड़ा सूबा है, अभी बात की जाए तो हाल फिलहाल में निकाय चुनाव यहाँ कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने डिले लगता है, मगर हर एक राजनीतिक दल निकाय चुनाव और 2024 को लेकर अपनी पूरी तरह से समय कस के मेहनत कर रहे हैं। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कई फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। लगभग 30% नए चेहरे को मौका देने वाली है भारतीय जनता पार्टी। वही अगर बात की नंदनूर तो भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई जो है कमेटी काम करेगी, वो अभी जो उनके साथ टीम काम कर रही है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह की है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जब बैठक की, तमाम बैठकों के बाद उन्होंने लगातार उन बयान देते आ रहे हैं कि हम नई टीम ले आए थे और दिल्ली सरकार की तरफ से नई टीमों का ऐलान होगा। अब देखने वाली बात यह होगी किन नए चेहरे को मौका मिलता है और उन नए चेहरे से कैसे 2024 और उत्तर प्रदेश का प्रचार चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करती है। जी विभांशु, देखा जाए बीजेपी अब अपने प्रचार प्रसार के लिए अब सोशल मीडिया का भी यूज करेगी। कहा जा रहा है कि हर संसदीय क्षेत्र में ट्विटर अकाउंट बनाए जाएंगे और उसमें 50,000 फॉलोअर्स हर इलाके के वहां पर बढ़ाए जाएंगे। जी रंजनी, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, उस वक्त अगर बात करें तो प्रत्याशियों के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा प्रत्याशियों के सोशल मीडिया पर कैसे क्या कितने उनकी फॉलोअर है और क्या उनकी पॉपुलैरिटी है सोशल मीडिया पर, इस आधार पर भी टिकटों का वितरण किया गया। उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया टीम की तरफ से एक नया उनकी तरफ से सुझाव आया है कि हर विधानसभा हर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी का एक ट्विटर अकाउंट है, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट है, जिससे वहां के जनप्रतिनिधि अपनी बातों को रख सके और क्षेत्र जनता वहां से ज्यादा अपने जिला, अपने विधानसभा और या लोकसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी ले सके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जमीन से लेकर और सोशल मीडिया तक अपनी झाड़ी नींव तैयार कर रही है 2024 के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी जहाँ जैसे तो तीसरा मोर्चा भी बन सकता है अगर देश के अंदर में या कांग्रेस पार्टी अगर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरती है
तो कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को लेकर मजबूती से काम कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो वही आपको बता दें कि 17 और 16 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की जाएगी। 2024 चुनाव को लेकर भाजपा बिल्कुल सक्रिय हो चुकी है। 2024 को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है संगठन में। मुंबई के बाद अब लखनऊ में होगा भव्य रोड शो। 50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। कई राज्यों के निवेशक होंगे शामिल। नंदगोपाल नंदी भी रोड शो में होंगे शामिल। कई राज्यों की कंपनियां यूपी में निवेश को तैयार। सीएम योगी इस भव्य रोड शो में शामिल होंगे। वहीं मुंबई के रोड शो सफलता के बाद अब यूपी में भी लखनऊ के सेंट्रल होटल में होगा रोड शो। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे रितेश। रितेश, मुंबई के रोड शो की सफलता के बाद अब यूपी में भी रोड शो किया जाएगा। देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे इन्वेस्टर समिट को लेकर के अपने मजदूर के दलों को 16 देशों में भेजा था, 16 देशों में भेजने के बाद 7 बड़े शहरों में वहां पर इन्वेस्टर समिट के लिए वो पहुंचे थे। पहुंचने के बाद वहां करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए के निवेश के लिए वहां पर लोगों से निवेशकों से बात हुई थी, वो उत्तर प्रदेश लौट करके आए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में जाके रोड शो किया था, वहां से भी काफी जो है निवेशक वहां से मिले थे और उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्ट करने के लिए पहुंच रहे थे। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ये 13 तारीख को और उसके बाद हैदराबाद में इनका रोड शो होगा और ये हैदराबाद में जाएंगे। तो कहा जा रहा है जैसे राष्ट्र में 16 राष्ट्रों में जाकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश समिट के लिए निवेशकों को बढ़ावा दिया गया था, बुलावा दिया गया था, प्रदेश के सारे मंत्री का डेलीगेट एक गया हुआ था, उसके बाद इन्वेस्टर समिट को लेकर के बात कही जा रही थी। अब ये मुख्यमंत्री का ये साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश स्तर के भी लोगों को, जिलेवार लोगों को भी जोड़ा जाएगा इन्वेस्टर समिट में। जो अभी कल बैठक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई है वो वहां पर भी 56,000 करोड़ रुपए का एक MOU साइन हुआ है। जिलाधिकारी महोदय ने ये जानकारी दी। तो इस तरीके से लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अब कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास बढ़ेगा और यहाँ पर निवेशकों का जो बढ़ावा हो रहा है, जिस तरीके से पूरे राष्ट्र से, भारत के कोने कोने से, हर राज्यों से लोग यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुशखबरी की बात थी कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने की बात हो रही है। जी रितेश, देखा जाए तो लगातार सीएम योगी ने सारे निवेशकों को ये भरोसा दिलवाया है कि वो आके यूपी में निवेश करें, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं अपना ग्राफ कम हुआ है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर तय किया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी निवेशक कार्य करेंगे, जो भी निवेशक यहाँ पर निवेश करेंगे, वो उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा साथ दिया जाएगा, पूरा किसी भी तरीके से लाया जाएगा, दुरुस्त रखा जाएगा और कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का निवेशक समिट होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा अजूबा होगा पूरे भारत में। पहली बार इसी तरह का ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निवेशक जुट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत खुशखबरी की बात है और उत्तर प्रदेश में निवेशकों का बढ़ावा, कहीं ना कहीं रोजगार को भी बढ़ावा देगा। रितेश, देखा जाए तो वहीं विपक्ष पार्टियां लगातार इसको लेकर हमलावर हो रही हैं, निशाने साध रही हैं निवेश को लेकर और बोला कि धरातल पे कुछ दिखता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कहने वाले कहते रहते हैं फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी जो फरवरी में निवेशक समिट होने वाला है, कहीं ना कहीं अभी जिलेवार जो कल कार्यक्रम हुआ है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, वहां पर प्रदेश के जो मंत्री हैं कौशल किशोर और नीरेश पाठक, जो मुख्यमंत्री जो है वहां पर पहुंचे थे, लगभग 56,000 करोड़ रुपए का निवेश केवल प्रदेश से आया है। जिला स्तरीय ये निवेशक समिट बैठक कल हुई थी, जिसको देखकर साफ तौर पर ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों की संख्या बढ़ी है और कहीं ना कहीं रोजगार का ग्राफ बढ़ेगा और इससे उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां होंगी, जो रोजगार होंगे, वो कहीं ना कहीं इजाफा होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। तो वहीं मुंबई के सफलता के बाद अब लखनऊ में भव्य रोड शो किया जाएगा। 50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।
फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।